नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर इटावा जनपद से, जहां दिव्यापुर निवासी मुकेश अपने परिवार के साथ मुंडन संस्कार कराने कालका मंदिर लखना आए थे। मुंडन के उपरांत मंदिर परिसर में स्थित तालाब में स्नान के दौरान एकाएक मुकेश गोता खाने लगा और अचानक से तालाब में समा गए। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तालाब में डूबे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुटी। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। आपका करण सिंह, किस तरीके से क्या ये घटना घटी है? हम लोग घर से मतलब तीर्थ करने यात्रा करने मतलब हम लोग पूजा करने आए थे मंदिर में, लखना मंदिर में। तो वहाँ सब लोग नहाने लगे, मग से बाल्टी से। ये बच्चा थोड़ा नीचे चला गया, घर का नीचे चला गया। तो इसका उम्र 22-23 साल है। तो हमारी बहू ने लगती थी 2-4, तो हम वहाँ से थोड़ा मुंह घुमा के पीछे हट गया। थोड़ी देर में एक बहू ने हल्ला किया, बोला चाचा चाचा, बोला मुकेश बोला डूब गया। तो हम लोग सब आए, हमने पुलिस थाना के नज़दीकी खबर करी, पुलिस वाले सब आए। उनने गोताखोरों को दाएं बाएं गांव से बुलवाया, ढूंढा, लेकिन जब तक निकाला वो खत्म हो गया। कितने लोग नहा रहे थे? वो तो वहाँ कम से कम 200-400 आदमी था। आज तो पूजा करने आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग ग्राम हरतौली, पोस्ट ऑफिस नौगुआ, थाना दिव्यापुर, जिला औरैया, तहसील बुधूना, ब्लॉक सहार। तो ये इनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कब शादी हुई थी? शादी 5-6 साल हो गई। तो आप जात करने आ रहे थे? हाँ। क्या नाम है आपका? मोनू। किस गांव से? दिव्यापुर हरदौली गांव। ये किस तरीके से आपके ये चाचा के साथ घटना? चाचा का लड़के का मुंडन था, हम जात करने के लिए गए थे वकेवर लखना जी के पास मंदिर है। वहाँ पे हम लोग पानी में नहा रहे थे, तैर के हम तो बाहर आ गए, वो वापस आ रहे थे। उन्हें गोता लगने लगे, गोता हमें भी लग गया। वो बोले चिल्लाने के लिए, बचाने के लिए बोले, तो उन्हें किसी ने बचाया नहीं। फिर बाद में पुलिस आई, पुलिस कुछ नहीं किया वहाँ पुलिस वालों ने। इसके बारे में पुलिस लेके यहाँ पे आई जिला अस्पताल इटावा।